अगर आप हॉरर मूवीज के फैंस हैं, तो आप एड और लॉरेन वॉरन के बारे में जरूर जानते होंगे। एड और लॉरेन वॉरन इस पति पत्नी के जोड़े को दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माना जाता है, जिनकी रिसर्च की गई पैरानॉर्मल केसेस पर कंजूरिंग और एनाबेल जैसी मशहूर हॉरर फिल्म्स बनी है। माना जाता है कि एड और लॉरेन ने मिलकर 10,000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस पर काम किया था, और इन डरावनी पैरानॉर्मल केसेस को सुलझाते हुए उनके हाथों में कई प्रेत बाधित और श्रापित वस्तुएं लगी थी, जिन्हें संभालकर एड और लॉरेन ने अपने घर के बेसमेंट में जमा करना शुरू किया। ये श्रापित चीजें लोगों के लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए इन्हें सैकड़ों सालों तक लोगों की पहुंच से दूर रखा गया था। लेकिन कुछ सालों पहले इन चीजों के संग्रह को म्यूजियम का स्वरूप देते हुए लोगों के प्रदर्शन के लिए खोला गया। इस म्यूजियम का एक ही नियम था कि इस म्यूजियम में रखी किसी भी वस्तु को छूना नहीं है, वरना अंजाम जानलेवा हो सकता है। इस वीडियो में हम ऑकल्ट म्यूजियम में रखी कुछ सबसे डरावनी और श्रापित वस्तुओं के बारे में जानेंगे। डिफ डॉल्स। ये दो डरावनी सी दिखने वाली गुड़ियाएं काले जादू के लिए इस्तेमाल की गई थी, और बस तभी से ये श्रापित बन गईं। कहानी के मुताबिक अमेरिका में रहने वाली एक औरत, जिसे अलग अलग गुड़ियाएं इकट्ठा करने का शौक था, उसने एक एंटिक सेलर से इन गुड़ियाओं को खरीदा और इन्हें अपने घर पर संभाल कर रखा। लेकिन उसी दिन से उसके घर में अजीब सी चीजें होने लगी, और उसका छोटा लड़का भी किसी रहस्यमय बीमारी से दिन ब दिन कमजोर होने लगा। फिर पूरी तरह से हताश हो चुकी उस औरत ने एड और लॉरेन से संपर्क किया, और फिर उन दो गुड़ियाओं से जुड़े खतरे को भांपते हुए एड और लॉरेन वॉरन ने उन श्रापित गुड़ियाओं को फौरन ही अपने ऑकल्ट म्यूजियम में सुरक्षित तरीके से बंद कर दिया। लेकिन एक घटना में ऑकल्ट म्यूजियम की टूर पर आए एक जवान लड़के ने इनमें से एक गुड़िया को अपने हाथों से उठाया, फिर उसी दिन उस लड़के की बहुत ही रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। साइकिक फोटोग्राफ्स। साइकिक फोटोग्राफ्स, जिन्हें घोस्ट फोटोग्राफ्स यानी आत्माओं की तस्वीरें कहा जाता है, अनजाने में ली गई ये तस्वीरें कुछ बहुत ही रहस्यमयी आकृतियां प्रदर्शित करती हैं। माना जाता है कि आत्माएं सभी लोगों को नहीं दिखाई देती, लेकिन तस्वीर में कैद हो चुकी आत्मा को सभी लोग देख सकते हैं, और ऐसी कई तस्वीरें ऑकल्ट म्यूजियम में संभाल कर रखी गई हैं, जिनमें से कुछ को श्रापित माना जाता है। दोस्तों, आप में से जो लोग घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, वो डाउनलोड करें रोजधन ऐप। इस ऐप में अपने दोस्तों के साथ आर्टिकल शेयर करने पर आप असली पैसा कमा पाएंगे। रोजधन ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्क्रीन पर दिए इस कोड को इस्तेमाल करें, जिससे पहले इस्तेमाल के बाद ही आपको 50 रुपए मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक का इस्तेमाल करते हुए डाउनलोड करें रोजधन ऐप और पैसे कमाएं रोजाना। हॉन्टेड स्कल्स। ऑकल्ट म्यूजियम में जानवरों की और इंसानों की कई खोपड़ियां संभाल कर रखी गई हैं। माना जाता है कि इन खोपड़ियों को इंसानों की और जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद हासिल किया गया था, और फिर इन्हें काला जादू करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और इसी वजह से ये श्रापित और बहुत खतरनाक बन चुकी हैं। अफ्रीकन फर्टिलिटी डॉल्स। लकड़ी से बनी ये गुड़ियाएं अफ्रीका में रहने वाली कुछ औरतें, जिन्हें कई सालों से बच्चे नहीं हुए, इन गुड़ियाओं को अपने शरीर से इस आशा में बांध कर रखती हैं कि शायद एक दिन वो माँ बन जाएं। पर कहा जाता है कि अफ्रीका में रहने वाली एक डायन ने फर्टिलिटी डॉल्स के नाम से ये गुड़ियाएं कुछ औरतों को बेची, पर इन श्रापित गुड़ियाओं को इस्तेमाल करने वाली औरतें एक के बाद एक रहस्यमय बीमारी से मरने लगी, और इन श्रापित गुड़ियाओं को एड ने अफ्रीका की घाना नामक जगह से हासिल किया। नेक्रोनॉमिकॉन। इस किताब को बुक ऑफ डेथ, मतलब मौत की किताब, इस नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर शैतानी शक्तियां और राक्षसों को बुलाने के कई अनुष्ठान लिखे गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। पर ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक किताब है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से नर्क के दरवाजे भी खोले जा सकते हैं। नेक्रोनॉमिकॉन की असली कॉपी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि असली नेक्रोनॉमिकॉन
सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास है जो इसे किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहते। और ऐसी ही एक नेक्रोनॉमिकॉन की किताब ऑकल्ट म्यूजियम में देखी जा सकती है, जिसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं है। दोस्तों, तो ये थी इस सीरीज की आखिरी वीडियो, एनाबेल कम्स होम। इस फिल्म में दिखाए गए कई सारे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मंकी टॉय और समुराई आर्मर, इनका असल जिंदगी में कोई वजूद नहीं है और इन्हें सिर्फ फिल्म को डरावनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।